नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल में स्ट्रेस बी क्लासेज पर दोस्तों महीने का आज आखिरी दिन है 31 अगस्त जाते जाते आप लोगों के लिए एक और अच्छी खबर ले आए हैं देख लीजिए आज ग्रेजुएशन वालों का सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में ये है गोहाना तहसील सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में दो महीने का है जो भत्ता और एक महीने की सैलरी आ गई है यहाँ पर आप देख सकते हो अभी जस्ट आई है ये सात बजकर उनतालीस मिनट पर ठीक है ये आप देख सकते हो पंद्रह सौ रुपये यहाँ पर आ चुके हैं असिस्टेंट डिप्लॉयमेंट ऑफिस की तरफ से और यहाँ पर आप देख सकते हो छः हजार रुपये क्रेडिट हो चुके हैं ठीक है छः हजार रुपये क्रेडिट हो चुके हैं आज की डेट में आठ दो हज़ार आठवा महीना ये है इकतीस तारीख इधर ठीक है इधर दिख रहा है ये इकतीस आठ दो हज़ार इक्कीस अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही आए हैं यहाँ पर भी एक देख सकते हो आप यानी कि ये आए हैं टोटल नौ हज़ार रुपये हो सकता है किसी का एक महीने का भत्ता कमाया हो एक दो साथी का और जैसे बात हुई थी उन्होंने ये बोला था कि हमारा एक महीने का भत्ता और एक महीने की सैलरी यानी कि उनके साढ़े सात हज़ार रुपये आए हैं ठीक है कुछ के नौ हज़ार रुपये आए हैं ठीक है ये महीना काफ़ी मतलब कम डिस्ट्रिक्ट में सैलरी आई है इस महीने और कुछ स्क्रीन और आए हुए हैं कई सारी प्रॉब्लम उनके बारे में भी मैं जल्दी बात करूँगा पहले इसके बारे में जल्दी से बता देता हूँ के कुछ कुछ के साढ़े सात हज़ार आए हैं कुछ के नौ हज़ार आए हैं ठीक है सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में ये रुपए हैं जो दोस्तों आए हैं ये या आप यहाँ पर देख सकते हो अब जो मेन परेशानी एक और आई हुई है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ लगभग एक डेढ़ महीना पहले या ज़्यादा से ज़्यादा दो महीना पहले एक परेशानी चली हुई थी भाई अपना जो ऑक्यूपेशन है बहुत सारे बच्चे उन्होंने स्टूडेंट करवा रखा था और उन्होंने क्या किया अपना चेंज करवा लिया ठीक है ऑक्यूपेशन को स्टूडेंट से अनएम्प्लॉय करवा लिया किसी ने कुछ और दूसरा मतलब चेंज करवाने की कोशिश की थी और उस समय ये काफ़ी बड़ा मुद्दा था लेकिन अब जब फैमिली आईडी अपडेट दिखा रहा है सक्षम आईडी पर तब वहाँ पर जो नीचे डिटेल आती है वो बिल्कुल पहले वाली वही आती है जब उन्होंने आईडी बनवाई थी यहाँ पर यानी कि देखो ये जो स्क्रीन शॉट है इस भाई ने भेज रखा है ये इन्होंने बताया कि इन्होंने अपना चेंज भी करवा लिया था स्टूडेंट की जगह पर इन्होंने करवाया था अपना अनएम्प्लॉयड लेकिन बावजूद उसके अब जो फैमिली आईडी अपडेट हुई है इनकी सक्षम आईडी पर उसमें स्टूडेंट ही दिखा रहा है ऐसे कैसे अब ये कह रहे थे भाई अब इसका क्या समाधान है देखिए दोस्तों इसका फ़िलहाल तो कोई समाधान नहीं है ये पुराना का जो चीज़ें हैं वो ऐसे कैसे उठा रखी हैं ठीक है, है? यहाँ पर भी देख सकते हो ये स्टूडेंट हैं ठीक है ये पुरानी जो चीज़ें हैं ऐसे कैसे उठा रखी हैं ये तो चलाई हुआ था घर तीन लाख रुपए से ज़्यादा है जिनकी इनकम है उनको बाहर निकाला जा रहा है ये तो इस पर मैंने पहले वीडियो बनाई थी ठीक है फिर भी बहुत सारे साथियों ने अभी भी भेज रखा है तो ये मैं आपको उनको उसके लिए बता देता हूँ ठीक है ये ये भाई एक ने और भेजा था ये आपकी भैया अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप के जो पैंतीस साल पूरे हो गए हैं इस तरह की चीज़ें तो बहुत कॉमन होती हैं इसको कोई भी देख समझ पड़ सकता है इस तरह की चीज़ें भेजने की बजाय आपकी जो परेशानी है उसके बारे में हम बात करते हैं मुख्य रूप से ठीक है इसके ऊपर क्या चल रहा है जो स्टूडेंट आया हुआ है दोस्तों ये परेशानी आप सिर्फ आपके साथ नहीं है बहुत सारे साथियों के साथ है अब इन्होंने पता नहीं क्या किया तीन महीने बाद पहले जिस चीज़ को अपडेट करवा दिया था ठीक करवा दिया गया था बावजूद उसके ये ऐसे कैसे इसका मतलब ये है कि अभी जो बच्चे जोर लगा रहे थे कुछ वो कुछ चेंज कर रहे थे अपडेट कर रहे थे अपनी आईडी को जिसमें क्वालिफिकेशन वगैरह अपडेट की जा रही थी मेरे ख्याल से तो इसको देखते हुए तो शायद वो भी अपडेट नहीं हुई हूँ क्योंकि ये जो तीन महीने दो महीने पहले के मुद्दा है ये जब ठीक नहीं हुआ अब तक अपडेट करवाने के बाद तो दूसरों का पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा अभी इसके ऊपर कोई अपडेट भी नहीं है कई बार कोशिश भी की संपर्क करने की जिसके बारे में क्या समाधान हो सकता लेकिन कहीं सच बात तो यह है किसी के पास इसका कोई जवाब मुझे अच्छे से संतुष्ट करने वाला जवाब नहीं मिला बहकाने वाले जवाब तो भाई संतु किसी को कुछ भी बोल दो ठीक है क्योंकि मजबूरी है कुछ कहने सुनने का उनका उनके पास भी नहीं है सच बात तो यह है ये सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तो जैसे डीसी ऑफिस से कंट्रोल होती हैं और उसके बाद जैसे पंचकुला से जो डिपार्टमेंट है वहाँ से कंट्रोल होते हैं ये चीज़ें इनके बारे में अभी कोई भी अपडेट दोस्तों नहीं है अपनी तरफ से आप लोगों ने चेंज कर दिया तो अच्छी बात है जब भी, भी ये साइट अपनी अपडेट करेंगे या कुछ भी करेंगे इसमें हो सकता है वो नया डाटा है वो अपडेट हो जाए लेकिन फ़िलहाल के लिए हमारे पास भी इसका कोई जवाब नहीं मिल पा रहा हमें भी हमने कई इम्प्लॉयमेंट ऑफिस में कन्फर्म करने की कोशिश की इनका क्या हो सकता है सर तो उन्होंने हमें यही बताया भाई जो आपकी आईडी में है हमारे जो सक्षम वेबसाइट है उसके साथ फैचिंग जो की गई जो उठाया गया कनेक्ट जो किया गया डाटा उसमें जो आया है वो आपके सामने है हमारा इसमें कोई रोल नहीं है ठीक है तो कोई रोल नहीं है तो भाई क्या करें अब तो उस ज़्यादा बच्चे तो परेशानी से ले हो रहे हैं कि भाई कहीं हमें बार ना कर दिया जाए जिस जैसे अब तीन लाख वालों को किया जा रहा है गलतियाँ ढूंढ ढूंढ करके बता मतलब उनको बार किया जा रहा है तो दोस्तों बता दूँ कि उनको तो काफ़ी दिन से बार किया जा रहा है लगातार उनको तो एक महीने के करीब हो गया है लगातार बार करने के मैसेज आ रहे हैं उनको तो लेकिन अब तक किसी भी स्टूडेंट वाले के पास जिसका ऑक्यूपेशन स्टूडेंट है या फिर अदर लेबर है बहुत सारे साथियों ने अदर लेबर भी करवा रखा है जिनका ऑक्यूपेशन स्टूडेंट है या फिर अदर लेबर है उनके पास अब तक ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कोई मैसेज नहीं है कोई अलर्ट नहीं आया है कि उनको भी बार किया जाएगा बाकी अगर इस तरह की कोई भी परेशानी आएगी तो इसके बारे में ज़रूर उन तक भी बात पहुँचेगी बड़े जो हेड ऑफिस होता है तो ज़रूर कोई ना कोई समाधान निकालेंगे अब तक तो ऐसा कुछ नहीं है अगर कोई अपडेट आती है तो ज़रूर आप लोगों के साथ हम वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे इसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अब तक दोस्तों हमारे चैनल को आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है आगे भी ऐसा ही प्यार अपना बनाए रखिए तो ला महीने के लास्ट डेट में आप लोगों के लिए कुछ खबरी ये लेकर आए थे उम्मीद आप लोगों को पसंद आएगी पसंद आते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले वीडियो को लाइक करें दोस्तों के साथ शेयर करें थैंक यू वेरी मच